दोस्तों, जब आप कनाडा पीआर पे आते हो तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिनमें से एक फैसिलिटी जो उनकी है वो ये स्विमिंग पूल भी हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ के जो मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं उनमें आपको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिल जाती है। देन फिर आपके पास यहाँ पर बच्चों के लिए रॉक क्लाइंबिंग है, फुटबॉल है, क्योंकि सिखों की तादाद जो सरदार बरादरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनकी भंगड़ा क्लासेस, डांस क्लासेस भी होती हैं। देन फिर वहीं पर मस्जिद भी हैं, बनाई गई हैं, खाने पीने के छोटे छोटे होटल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम की सहूलत मिलती है, लाइब्रेरी की सहूलत मिलती है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में आप फ्री प्रिंट आउट ले सकते हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप अपने जो भी काम करने होते हैं वो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, ऑनलाइन कोर्सेज जो उनसे हैं वो आप फ्री कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं कि जस्ट एक छोटी सी फीस जो है वो आप पे करते हैं। उसमें भी अगर आप लो इनकम में आते हैं तो बिल्कुल एक नॉमिनल सी फीस आ जाती है जो आपको पे करना पड़ती है। तो ये अभी आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं स्विमिंग पूल, ये एक प्राइवेट है जो गवर्नमेंट के सेंटर्स में बने हुए हैं, वो इनडोर हैं, ये सारा आउटडोर है। तो गर्मी जहाँ पर जब थोड़ी सी तेज़ होती है तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है एंजॉय करने के लिए, बच्चे बड़े सभी तकरीबन आते हैं इसमें। अब मैं भी यहाँ पर तकरीबन कुछ दिनों बाद ज़रूर आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जाता नहीं हूँ। उसकी वजह पता है क्या, कि जस्ट अभी एक रिसर्च स्टडी आई है, उस रिसर्च स्टडी में बताया गया है कि जो इस तरह के पूल्स हैं, पब्लिक पूल्स हैं, पब्लिक पूल्स में 70% पानी वो होता है जो इंसानी पानी होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 60-70% पानी इसमें वो होता है जो इंसान मिला देता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना जाऊँ। अलबत्ता लाइब्रेरी यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, कभी कभी जिम चले जाते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। तो आप भी जब आएँ तो कोशिश करें कि पहले आप यहाँ पर जो लाइब्रेरी का कार्ड है वो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि जो मुख्तलिफ आपने CVs के प्रिंट आउट लेने हैं या जो कुछ और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिंट आउट लेने में आपको मसला नहीं होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर इजीली अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कर सकेंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पर जाके, बाकायदा सिस्टम लगे हुए हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपने कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पर। तो वो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत अहम इंफॉर्मेशन है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो।